बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के चैप्टर के अंदर हम डायलिसिस यानी सेकेंडरी के चैप्टर नंबर 1 होमोस्टेसिस के अंदर हमने डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में बात करना है। ठीक है, डायलिसिस एंड रीनल ट्रांसप्लांट। सो इससे पहले हमने किडनी के डिसऑर्डर्स पढ़े थे, जिसके अंदर मेन हमने जो पढ़ी थी चीज़ें, इसमें किडनी स्टोन था, लाइक मैं लिख देता हूँ स्टोन, किडनी स्टोन या रीनल स्टोन भी कहा जाता है इसे, किडनी स्टोन था। इसके अलावा और क्या पढ़ा था बोला हमने, रीनल फेलियर, यस रीनल फेलियर। सो ये किडनी डिजीजेज हैं, एक किस्म की किडनी डिसऑर्डर्स हैं, सही। सो बाज़कत क्या होता है कि ये डिजीज या डिसऑर्डर इतना सवेर किस्म का हो जाता है, सख्त किस्म का हो जाता है कि किडनी जो उनसे है वो काम करना छोड़ देता है। मसलन रीनल फेलियर है और ये सवेर किस्म का यानी क्रोनिक किस्म का, यानी जब ये डिजीज क्रोनिक हो जाती है। क्रोनिक के हमने डिफाइन किया था, क्रोनिक किसे कहते हैं, नहीं जब डिजीज बहुत पुरानी हो जाए, ठीक है, जिसको से उस ऑर्गन का सारा का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, सही। सो किडनी स्टोन या रीनल फेलियर जब क्रोनिक कंडीशन में जाते हैं तो जो किडनी है इट्स लॉस इट्स फंक्शन, किडनी का जो सब फंक्शन है वो लॉस इट्स फंक्शन। सो किडनी का कौन सा फंक्शन है भाई, क्या क्या करता था किडनी, हम पीछे पढ़ चुके हैं, यूरिन फॉर्मेशन थी, या फिर हमसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सो अब किडनी मजीद फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता, तो उसके बाद जब फिल्ट्रेशन नहीं होगी किडनी की, यानी किडनी कैन नॉट डू फिल्ट्रेशन, तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सही, लेट्स किडनी कैन डू फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो हम इसके बाद दो, या तो हम रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे, किडनी को ट्रांसप्लांट करवाएंगे, या फिर सेकंड वन ऑप्शन इज डायलिसिस, सही, डायलिसिस। सो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब व्हाट इज डायलिसिस एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशन सो ऑन। सो डायलिसिस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, डायलिसिस। सो डायलिसिस इज अ आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, इसे हम सिंपल नाम कह सकते हैं कि जी डायलाइजर जो है ना, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायलाइजर, ठीक है, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिफिशियल किडनी किस किस्म का हो सकता है, सो अभी हम देखते हैं जी आर्टिफिशियल किडनी किस किस्म का, लेकिन जो हम इसके जरिए प्रोसेस करेंगे यानी जो टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक जिसके जरिए हम डायलाइजर को यूज करेंगे उसे हम डायलिसिस कह देंगे। मसलन एग्जाम्पल देखते हैं, एक पर्सन है, ठीक है, वो कह लेंगे उसके किडनी काम नहीं करता, हम क्या करेंगे, उसकी जो क्लेवियन सब क्लेवियन आर्टरी है, ये कह लेंगे जो उसके आर्म्स के अंदर आर्टरी होती है, ठीक है, उसमें से हम ब्लड विड्रॉ करवाएंगे और उसे एक मशीन के अंदर से गुजारेंगे, पाइपलाइन आपको नजर आ रहा होगा, सही, यानी आर्टरी में से ब्लड निकालेंगे एंड इट इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजर। ये सारी डायलाइजिंग मशीन है या फिर डायलिसिस मशीन या डायलाइजर कहा जाता है सिंगल वर्ड के अंदर, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि हम डायलाइजिंग फ्लूड, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूड जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूड होता है, सही, जिसके अंदर से ब्लड ने पास करना होता है, और फिर ब्लड जब इसमें से पास करेगा, सो जब ब्लड इसमें से पास करेगा ना, तो फिर जाहिर बात है इसमें से वेस्ट मटेरियल जो है वो डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बनाता था, ये वॉल है, एक तरफ डायलाइजिंग फ्लूड है, डायलाइजिंग फ्लूड, सही, और दूसरी तरफ जो सा ब्लड है, सही। अब ब्लड में जो सा वेस्ट होता है ना, वेस्ट मटेरियल ब्लड में जो वेस्ट है वो ज्यादा होता है, सही, और डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर वेस्ट कम होगा, सिंपल, क्योंकि हम जो डायलाइजिंग फ्लूड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो ये इसमें फ्री ऑफ वेस्ट होगा, सो यहाँ पे वेस्ट कम है, सिंपल, ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज आउट होगा इनटू डायलाइजिंग फ्लूड, ठीक है, यानी ब्लड में से जो फ्लूड, सॉरी वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो ह्यूमंस में आती हैं, हम पढ़ चुके हैं, मसलन वेस्ट मटेरियल के अंदर हमारे पास अमोनिया आ सकता है, सही, लाइक NH3 है, फिर यूरिया है, सही, यूरिया CONH2 होल ट्वाइस कहा जाता है, सही, यूरिया है, फिर यूरिक एसिड है, सही, यानी यूरिया अमोनिया यूरिक एसिड, फिर एक्स्ट्रा साल्ट्स भी होते हैं बाज कद के, ज़्यादा साल्ट्स हम बॉडी के अंदर, ठीक है, इसके अलावा ऑर्निथिन, जो जो हमने बीच में जैंथिन हाइपोजैंथिन जो भी वेस्ट मटेरियल हमने पढ़े हैं वो क्या होंगे, ब्लड में से डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर इंटर होंगे, सही। इसके अलावा ये जो बीच में बाउंड्री होती है ना, ये बड़ी स्पेशल बाउंड्री होती है, दिस डायलाइजिंग फ्लूड की मैम, ये एक
कह लें कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होगी। ठीक है, क्या होगा कि ये अलाउ नहीं करेगी, इट डजंट अलाउ टू पास। ठीक है, ये अलाउ नहीं करेगी टू पास गुड मटेरियल, कि वो ब्लड में से कोई गुड मटेरियल जो उनसे है वो डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर जाए। सो यानी गुड मटेरियल अब यहाँ पे बैन हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, डायलाइजिंग। ठीक है, यानी डायलाइजिंग। अब ये जो सा बीच में अपरेटस फिटेड है इसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहेंगे या डायलाइजर कहेंगे। ठीक है, ये डायलिसिस मशीन है या फिर दूसरा नाम से क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल किडनी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये सारा प्रोसेस हो रहा है इन विट्रो। इन विट्रो, इन विट्रो किसे कहते हैं भला, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी, कि नहीं बॉडी के आउटसाइड ये सारा काम हो रहा है। ब्लड को बॉडी से आउटसाइड लाया जाता है, फिर मशीन से उसे पास करवाया जाएगा, दोबारा फिर उस किसी वेन के जरिए इंटर करवा दिया जाएगा। ठीक है, यानी सब क्लेवियन आर्टरी से ब्लड आ रहा है और उसके बाद वो सब क्लेवियन वेन के जरिए वापस ब्लड कह लेंगे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये इन विट्रो कह रहे हैं कि मेथड है कि इसके अंदर ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है से, और इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। अब हम देखते हैं इस हीमोडायलिसिस की रियल एप्लीकेशन किस तरह की नजर आती है, रियली अभी आपको मैन नजर आ रहा है। सो पहले से क्या नाम दिया हमने, हीमोडायलिसिस, सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। सो ये इस तरह क्या बोला, डाल तो वाई नहीं आएगा इधर बोल के, हीमोडायलिसिस में जिसमें आपको सामने बंदा भी नजर आ रहा है सही, ये अब आर्टिफिशियल किडनी साथ डायलाइजिंग मशीन पड़ी हुई है। अब इसके अंदर एक जो सा वो डायलाइजिंग फ्लूड होगा, फॉर एग्जांपल ये डायलाइजिंग फ्लूड, और ये दूसरी तरफ उसका वेस्ट इकट्ठा होता जाएगा सही, और ये सारी मशीन इसके रेट ऑफ इंजेक्शन और सारा कुछ कंट्रोल करेगी साथ। और ये पर्सन है जिसका किडनी काम नहीं करता, नहीं ये अब कहेंगे रीनल फेलियर का केस है, दिस पेशेंट रीनल फेलियर का पेशेंट है सही, इसका किडनी काम नहीं करता। सो इसका अब सब क्लेवियन आर्ट से ब्लड को रिसीव किया जाता है, वापस सब क्लेवियन वेन के जरिए ब्लड इंटर होता है। तो एक किस्म की यहाँ पे फिल्ट्रेशन का अमल हो गया कम्प्लीट, यानी जो किडनी का प्रॉब्लम था तो सॉरी जो फंक्शन था फिल्ट्रेशन, सो हमने वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी कर लिया सही। सो ये हो गया हीमोडायलिसिस। डायलिसिस की एक और किस्म है जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, वो किस किस्म की है, मसलन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जिस टाइम जो डायलाइजिंग फ्लूड है ना वो एक कह लें कि उसमें भरा जाता है कह लें उसकी वायल होती है। ठीक है, जिस तरह ग्लूकोज वायल आपने देखी हो बाज़ पेशेंट को लगी होती है, नॉर्मल स्लाइन लगा होता है। सो एक वायल के अंदर डायलाइजिंग फ्लूड होता है जिसको डायरेक्ट पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ इंजेक्ट कर देंगे, पेरिटोनियल कैविटी, यानी डायलाइजिंग फ्लूड इज इंजेक्टेड इन टू डायलाइजिंग फ्लूड इज इंजेक्टेड। ठीक है, इंजेक्टेड किया जाएगा इनटू पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर से हम पेरिटोनियल कैविटी भला क्या होती है, अब सच ये भी आपको बताना चाहिए, जो एब्डोमिन की होती है ना पेरिटोनियल से, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसे हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं सही, जिसके अंदर आपकी सारी इंटेस्टाइन मौजूद होती है। ठीक है, अब जो इंटेस्टाइन होती है मसलन इट कंटेन्स इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ऊपर जो से स्मॉल कैपलरीज होती हैं, स्मॉल कैपलरीज की नेटवर्क होता है। ठीक, ये जो स्मॉल कैपलरीज है इट इज साइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या साइट ऑफ फिल्ट्रेशन कह लेंगे। ठीक है, कि उन स्मॉल कैपलरीज की मदद से ये डायलाइजिंग फ्लूड उसमें से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। अब उस स्मॉल कैपलरीज की जो वाल होगी वो सिलेक्टिवली परमेबल बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे डायलाइजिंग फ्लूड की मेम्ब्रेन की डायलाइजर की जो सी मेम्ब्रेन थी उसकी बात करी, वो भी सिलेक्टिवली परमेबल होती है। इस तरह जो यहाँ पे स्मॉल कैपिलरीज होंगी जो किसका हिस्सा है, इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ठीक है, तो वहां पे फिल्ट्रेशन होगी और वो सिलेक्टिवली परमेबल की बतौर एक्ट करेंगे, यानी वो जो यूजफुल मटेरियल है उसको नहीं अलाउ करेंगे कि वो पास करे, जबकि जो वेस्टफुल मटेरियल है उसको सिंपली डिफ्यूज आउट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट प्रोसीजर नहीं है कि जिस तरह ये कह रहे कनेक्शन है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाने की, इस तरह एक और कनेक्शन होता है वो बाहर निकाला जाता है ये, ताकि वो जो फ्लूड अंदर गठा हो रहा है वो वापस नीचे कोई बैग वगैरह होता है जिसके अंदर इसको भर दिया जाता है, अब जो फ्लूड होगा वेस्ट मटेरियल वो इसमें जमा हो जाएगा। ठीक है, दो बैग होते हैं इसके भी सही,
और ये डायलेसिंग फ्लूड है तो ये नीचे ये क्या मिलेगा हमें, वेस्ट फुल फ्लूड, ठीक है, यानी होगा ये भी डायलेसिंग फ्लूड लेकिन अब इसके अंदर वेस्ट शामिल हो चुका होगा, ठीक है। अब वेस्ट आपको फिर अंदाजा होना चाहिए, वेस्ट से क्या मराता है, अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट है। इसके अलावा एक्सेसरी कह लें कि लाइक और क्या हो सकते हैं वेस्ट में, एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह, ठीक है, इस तरह जेंथीन हाइपोजेंथीन इस तरह के वेस्ट मटेरियल। अब ये एग्जांपल है इसकी, ये आपको एक पेशेंट नजर आ रही है, सिर्फ रीनल फेलियर की पेशेंट है, अगेन ये इसका किडनी काम नहीं करता सही, ठीक है। तो ऊपर ये डायलाइजिंग फ्लूड है, डायलाइजिंग फ्लूड जो कि उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और फिर यही जो सब वेस्टफुल हो जाता है, ठीक है, इसी के अंदर वेस्ट आ जाता है जिसको दूसरे बैग के अंदर जमा कर लिया जाता है सही। और इस दौरान आपको देख सकते हैं पेशेंट जो है वो वेट आराम से घर के अंदर हो सकता है ये प्रोसेस, आप ये किचन के करीब बैठे हैं किचन रेंज के अंदर, सो यानी ये एट होम भी हो सकता है, इसका एक बेनिफिशियल फंक्शन ये भी है सही। और दूसरा जो रीनल फेलियर केसेस होते हैं ना ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, इन्हें बड़ा अवॉइड किया जाता है किसी किस्म की कंटामिनेशन ना हो जाए, ठीक है, इनकी बहुत स्पेशल केयर की जाती है और होम इन्वायरमेंट बहुत प्रोटेक्टिव बनाना पड़ता है सही। सो हमने डायलिसिस पढ़ा, इसमें दो किस्में पढ़ ली, एक है जी हीमोडायलिसिस, दूसरे से हम दूसरे को किसका हमने पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, नाम मैंने नहीं लिखा, दिस इज पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, और दोनों के हमने प्रिंसिपल पढ़े किस तरह हो रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के पर। सो किडनी ट्रांसप्लांट वेरी सिंपल के कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका किडनी जब फंक्शन नहीं करना नहीं करता, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा, सो फिर वो अपने किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट का जो सबसे मेजर स्टेप होता है ये कि डोनर रिक्वायर्ड होता है सही है, डोनर भी वो जो कि ससेप्टिबल हो, ठीक है, ससेप्टिबल किसे कहते हैं, यानी जो साइड रिएक्शन ना दे, ठीक है, यानी जो डिस्टर्ब ना करे बॉडी केमिस्ट्री को, ठीक है, यानी सिंपली कहें कि मैचिंग केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैचिंग बॉडी केमिस्ट्री, ठीक है, जो डोनर की केमिस्ट्री हो वो दूसरे की बॉडी से मैच करनी चाहिए। एग्जांपल क्या है, मसलन ब्लड ग्रुप का मैच करना जरूरी है, ठीक है, और कोशिश होनी चाहिए कि विद इन फैमिली हो, ठीक है, कि फैमिली में से डोनर मिला जाए और फिर किडनी ट्रांसप्लांट करनी। सबसे पहला जो स्टेप होता है डोनर रिक्वायर्ड होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कोई ऐसा पर्सन जो अपना किडनी डोनेट करना चाहता हो, ठीक है, हालांकि बहुत कम ऐसे यानी कह रहे हैं कि हमें डोनर मिलते हैं किडनी फेलियर केसेस के अंदर जो किडनी डोनेट करें और उनका किडनी आगे जाके सही फंक्शनली वर्क भी करे, ठीक है। सो डोनर कौन सा होता है जिसकी बॉडी केमिस्ट्री बिल्कुल मैच करती हो जो रिसेप्टर है उसके साथ, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप बॉडी में सॉरी इस फिगर में देखें, सो अगेन यहाँ पे डिजीज किडनी है इसकी, अब दोनों किडनी काम करना छोड़ गए हैं और कैवा शैवा सॉरी इन्फीरियर वेना कैवा है, एओर्टा जो कि मेन ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करती हैं और वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, सो उनके साथ एक कह लें कि किडनी यहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेड किडनी। अब इसके अंदर ये सारी सर्जिकल सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट सारा प्रोसेस सर्जिकल होता है, इसलिए ये बहुत सेंसिटिव होता है सही, कि इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं और जो मसला नहीं भी इतना होता वो भी बढ़ सकता है, सर्जरी के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है। सो सर्जिकल यानी इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है कि हम डोनर से किडनी रिसीव करते हैं फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा ट्रांसप्लांटेशन का, कि जो रिसेप्टर है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है सही, यानी ये कि ऑपरेशन के जरिए होता है ट्रांसप्लांट, एक ऑपरेशन सर्जिकल ऑपरेशन होता है सही। सो इसमें मस्ट क्या चीज़ होती है कि जो डोनर की बॉडी केमिस्ट्री है इट शुड बी मैच विद द रिसेप्टर्स के एक्सेप्टर्स की जो बॉडी केमिस्ट्री दोनों की मैच करें, मतलब ब्लड ग्रुप होना जरूरी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी मैचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उसकी जो ब्लड की केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें कह लें कि एंटीबॉडीज होती हैं, यानी ब्लड केमिस्ट्री में भी इसका इन्वॉल्वमेंट, यानी ब्लड केमिस्ट्री भी टोटल मैच करनी चाहिए, अदरवाइज ये ऑर्गन रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है, अगर ये स्टेप्स हम नहीं लेते तो ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होगी। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में क्या होता है कि जो हमने ट्रांसप्लांट किया होता ऑर्गन,
ठीक है, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी यानी जो भी एक्सेप्टर जिसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन हुई होती है उसकी अगेंस्ट बॉडी काम करना शुरू कर देती है, सही। लाइक जिस तरह कह लें कि कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप सही मैच नहीं करता तो एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज जाके इसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, यानी किडनी उसकी वजह से डिस्ट्रॉय होना शुरू, उसे हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का केस कहते हैं, सही। के जो बॉडीज इम्यूनिटी है, ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग द ट्रांसप्लांटेड ट्रांसप्लांटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन कह रहे हैं, जिस तरह किडनी की एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो ट्रांसप्लांटेशन की बहुत सी टाइप्स हैं, लाइक आजकल लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, सही, और किडनी ट्रांसप्लांट तो बहुत पहले से हो रहा है, सही। सो अगर बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन से, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का केस कहते हैं, सही। सो ये आज यानी यहाँ तक हमने आज पढ़ना था, इसके अंदर हमने क्या कवर किया, डायलिसिस, डायलिसिस के मतलब यानी आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर जो हमने मशीन इस्तेमाल की, फिर पेरिटोनियल डायलिसिस जिसको हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं, सही, जिसको डायलाइजिंग फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंटर करवाया जाएगा और उसके बाद उसका वेस्ट रिमूव हो जाएगा, सही। और ये भी इसमें इंटेस्टाइन की स्मॉल कैपिलरीज थी वो एज कह लेंगे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट करेंगे, जिसमें से मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट आउट होगा या फेस मटेरियल जो है वो बाहर निकलेगा। और फिर डायलाइजिंग फ्लूड का हमने थोड़ा बहुत सॉरी डायलाइजर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसके अंदर एक कह लें कि कन्वुलेटेड सी मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, अब इसकी जो मेम्ब्रेन होगी ना इस डायलाइजर के अंदर ये भी सिलेक्टिवली परमेबल होगी, ठीक है, इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर इंटर होगा और इस चैम्बर में इकट्ठा होता जाएगा, और यूजफुल मटेरियल जो ब्लड के अंदर ही रहेगा, सही। इसके अलावा जो डायलाइजिंग फ्लूड है वो फ्रेश नीचे से डाला जा रहा है ऊपर से निकाला जा रहा है, सही। सो ये इस तरह इस कह रहे हैं कि ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। सो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम अगले टॉपिक्स कवर करेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ा।